आपके घरों में भी बहुएं अथवा भाभी आपके आई होंगी जो बहुत कमाती होंगी, बेटा उनका नाम कितने लोग ले रहे हैं? और जो पढ़ी लिखी बहू गई है और वह पूरे परिवार को लेकर चलती है, सबके प्रति विनय रखती है, उठना बैठना सबके साथ में व्यवहारिक संबंध है, उस बहू का नाम शायद सब पूरे परिवार के हृदयों पर होता है। अब आप विचार कर लीजिए, मुझे क्या एटीएम मशीन बन के अपना जीवन व्यतीत करना है कि सबके हृदयों पर राज करते हुए व्यतीत करना है? बेटा पढ़ने को मनाही नहीं है। आज मैंने कहा था स्पेशली फॉर गर्ल्स, लाइफ कैसे मैनेज होगी? मैंने जीवन जीना प्रारंभ कर दिया, मैंने अपने किसी भी कुल में अगर चले गए तो पूरा लाइफ आपका। आप देखिए हाइब्रिड चीजें किसने किसने खाई हैं? हाइब्रिड चीज खाई हैं? आप नहीं खाते? मतलब या तो कुछ समझ में, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना, चेक कर लेते हैं, वो एमडी बैठे हुए हैं इंडियन बैंक के, अब उनसे पूछ लेते हैं, हमारी आवाज़ समझ में आ रही है ना? नहीं, हो सकता है आप कहाँ से आए? चेन्नई से? चेन्नई से आए तो चेन्नई तमिल मैं बोल रहा हूँ इसलिए आपको समझ में आ रही होगी, नहीं तमिल में बोल रहा हूँ इसलिए मात आपको समझ में आ रही है। जब मैं इनसे पूछता हूँ कि भैया आवाज समझ में आ रही है, तो ये कुछ बोलते ही नहीं है, हिंदी में ही बोल रहा हूँ मैं, तो आपको समझ में आ रही बात? अच्छा, कितने लोगों ने हाइब्रिड फल खाए हैं? देखो नहीं आ रही समझ में, भैया देखो माइक की आवाज पहुंच नहीं रही है, वो पीछे वाले हाइब्रिड जानते हो, संक्रमण जहां हो जाता है, एक फल को दूसरे फल में मिला दें और वह अभी नख चल रहा है, और नख खाया ना तो कितना अच्छा होता है वह नख, कितना स्वादिष्ट होता है ना, घास में जितना स्वाद होता है उससे कई गुना कम स्वाद किसमें होता है? वो अभी कुछ होता है क्या स्वाद उसमें? क्यों? हाइब्रिड चीजें हैं। हाइब्रिड चीजें जब भी हाइब्रिड होती है तब दो चीजों को मिला दिया जाता है। अच्छा खच्चर किस किसने देखा है? जानजी जी खच्चर देखा? अक्षत खच्चर देखा है? बहुत बढ़िया। खच्चर किस किस से मिला होता है? घोड़ा और गधा। अब घोड़ा और गधा से कब घोड़ा पैदा होता है? अब कौन से कुल में घोड़े और गधे के मिश्रण से घोड़ा पैदा होगा? अब खच्चर से घोड़े कब पैदा होंगे? समझो समझो, घोड़ा और गधा, जब गधे की भी परंपरा विलुप्त, घोड़े और गधे से खच्चर पैदा होते हैं, खच्चर से घोड़े भी पैदा नहीं होंगे और खच्चरों से घोड़े भी पैदा नहीं होंगे, इसलिए जो कुलों की परंपराएं हैं ये अगर इसी तरह संक्रमित करते गए तो जैन कुल के बच्चे कभी पैदा नहीं होंगे। उच्च कुल है ना, आप पहले महीने में अभी एक बार मंदिर जाते हो, देखो मैंने कहा जिस जिसको जैन धर्म नाश करना हो ये सब यहां बैठे हुए हैं जो नाश कर रहे हैं। कितने लोग रोज मंदिर आते हैं? बहुत बढ़िया। बच्चियों की तादाद वैसे भी कम है क्योंकि संकुचित जगह पे जाना अच्छी चीज नहीं है, जहां पे पार्टी हो वहां पे जाना अच्छा जगह होता है। मंदिर में कितना नेगेटिव एटमोस्फियर होता है, कितनी नकारात्मक ऊर्जा इस मंदिर में मिलती है। बेटा कहीं भी मंदिर में चले जाओगे ना, जिन मंदिरों की शोभा ही इतनी निराली है कि जैसे ही प्रवेश करते हो अपने आप सकारात्मकता आ जाती है। तो जैसे अभी आप महीने में मोक्ष सप्तमी को महीने में एक दिन मंदिर आए, बहुत बढ़िया। जब हम महीने में आते हैं या साल में एक दिन आते हैं तो हमारे बच्चे, साल में एक दिन अगर आने का नियम है तो बच्चे सोचेंगे कि अब महीने में एक दिन का है तो अपन साल में चलेंगे, और बस अगले 20 साल में जैन धर्म के नाश में तुम्हारा नाम सबसे आगे लिखा जाएगा जो आज मंदिर नहीं आ रहे हैं। सब लोग चाहते ना, उन्हीं का नाम लिखा जाएगा जो पहले अभी एक महीने में एक बार आते हैं, उनके बच्चे कितने दिन में आएंगे? एक साल में। और उनके बच्चे वो जानेंगे कि क्या हम जैन हैं, जय जनेन करना भी सीखेंगे क्या? इसलिए जिन कुलों के संस्कारों को बचा के रखना है मां, तो अपने बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा मंदिर के पास भेजने की आवश्यकता है, बाहर पाठशाला भेजने की आवश्यकता है। इनको पढ़ाई तो कराई जा सकती है, इनको बहुत बड़ा एटीएम मशीन बनाई जा सकती है, बहुत सारे लोग कमाएंगे। बेटा
लेकिन पेट कमाने से नहीं भरता। आज माँ के हाथ का भोजन नहीं मिलेगा, तुम्हारे बच्चे कभी तुम्हारे हाथों का भोजन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने भोजन बनाना सीखा ही नहीं है। माँ पढ़ाना आवश्यक है ना, पढ़ाना आवश्यक है, लेकिन कुल की जो विनय और संस्कार थे उनको भी देना आवश्यक है। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, भैया वह अमरूद है ना, अमरूद और एप्पल इन दोनों को मिला दो क्या बन गया, हाइब्रिड बन गया ना, वो नख ऐसे ही कुछ पैदा हुआ है, नाशपाती के साथ में एप्पल मिला दिया होगा तो कितना अच्छा स्वाद आता है ना। ऐसे ही बेटा, जब जब हम मिश्रण करते जा रहे हैं तब तब हमारे स्वाद का जो होता है वह स्वाद विलीन होता जाता है। कितनी सारी प्राकृतिक व्यवस्थाएं, यदि पक्षी पक्षी है ना, सारे पक्षी, कभी कौए को कोयल के साथ बैठा देखा, कभी मैना को, पक्षी है ना तो मैना कबूतर के साथ बैठी मिली हो, बेटा वे भी प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं। पक्षी पक्षी होने पर भी दूसरे कुलों में उनके भी संबंध स्थापित नहीं होते हैं, फिर हम जो उत्कृष्ट कुलों में आकर भी अन्यत्र स्थानों पर जाते हैं तो हम अभी वह प्राकृतिक जो अधिकार दिए गए थे उनको विलीन करते जाते हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा महाराज जी इससे लाइफ मैनेजमेंट का क्या, आपने तो बोला था लाइफ मैनेजमेंट स्किल सिखाएंगे। बेटा अगर जीवन में कुछ अच्छा जीवन व्यतीत करना है तो सबसे पहले अपने आप को मैनेज करना सीखिए, मेरा कहां पे किस ओर गमन हो रहा है। यदि वह अगर नहीं संभल पाया तो तुम अपने जीवन में कभी भी सुख से नहीं रह पाओगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे बेटा, दो के पीछे पूरे परिवार की लज्जा और यश को विलीन कर देते हैं। आज यह आपको विचार करना है, जितने भी हैं बेटा पूरा जीवन मरण भी करना पड़ जाए लेकिन अपनी यश कीर्ति को धूमिल मत होने देना। बच्चों को खास कर पे, बच्चों अगर मरण भी करना पड़ जाए तो जो सील रूपी आभूषण है वह तुम्हारा कभी भी नष्ट नहीं होना चाहिए। बहुत आवश्यकता है, हमने भेज दिए हैं मंदिर लाने के लिए मोक्ष सप्तमी को। मां सारों के बच्चे यहां आए हैं ना, महाराज जी नहीं आते मंदिर, क्यों नहीं आते, क्योंकि हमने कभी मंदिर के लिए फोर्स नहीं किया, स्कूल और पाठशाला को फोर्स नहीं किया, स्कूल भेजने के लिए कैरियर बनाने के लिए तो फोर्स किया लेकिन बच्चों को कभी मंदिर आने के लिए फोर्स नहीं किया। ये इनके सुखी जीवन का रहेगा। देखो हो सकता है आप लोग सोचते हैं मंदिर क्यों बनते हैं, कितने लोग सोचते हैं मंदिर नहीं बनना चाहिए, इससे अच्छा तो हॉस्पिटल और स्कूल्स खुलना चाहिए। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ये जो हाँ आगे हाथ नहीं बढ़ने देते ना, इनके बारे में जरा सोचना चाहिए। तो बेटा ये बनना नहीं चाहिए, ये स्कूल और विद्यालय, विद्यालय और अस्पताल ये बनने चाहिए, सही है ना। बहुत सारे करोड़पति समाज है तो स्कूल बहुत सारे लोगों का वो आर्किटेक्ट बैठा हुआ है, तो अस्पताल बनने के और विद्यालय बनने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, सही है ना। यानी हर गली में ये सोचने वाला मिल जाएगा कि लोगों के लिए स्कूल खुलना चाहिए, लोगों के लिए अस्पताल खुलना चाहिए, लेकिन लोग शरीर की रक्षा करने तैयार हैं, लोग बुद्धि के विकास की बात करने तैयार हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है जीवों के अंतरंग की कलुषता को समाप्त करने के लिए किसी का ध्यान नहीं है। यदि भावों को सुंदर बनाना है तो स्कूलों में और अस्पतालों में नहीं बनने वाले हैं, वह तो जिनाले में ही बन पाएंगे। और यदि भाव सुधर गए तो अस्पताल भी कम चाहिए और विद्यालयों में भी अपने आप उत्कृष्टता आ जाएगी। इसलिए आप क्या कर रहे हैं यह आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हम अपना ही लाइफ स्पॉइल तो नहीं कर रहे हैं। अभी अभी मैंने कहा कि खच्चर से घोड़ा कभी पैदा नहीं होगा, इसका अर्थ मैं किसी दूसरे कुलों को खच्चर या घोड़ा या गधे की उपाधि नहीं दे रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं जिस भी कुल की परंपरा जो होती है यदि वह दूसरे कुल से मिश्रित होती है तो उस कुल की परंपरा विलीन हो जाती है।
लेकिन हम नहीं छोड़ सकते महाराज जी, जिससे हमने फाउंडेशन कर लिया है मनीष, जिसके ऊपर नज़र चली गई है, अब पूरा घर छोड़ने तैयार हैं, अपने माता पिता को छोड़ने तैयार हैं। आपने कितना अच्छा उनके लिए, कितना अच्छा अपने जीवन को अपने माता पिता के लिए भेंट दी है कि मैं तुम्हें छोड़ने तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी वासनाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। सत्य सत्य। अब सुखी रहने का क्या उपाय हो सकता है? तो बहुत अच्छा उपाय यह है कि जिन संस्कारों के साथ यदि आप बढ़ते हैं, अपने बच्चों को पाठशाला की ओर प्रेरित करते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जिन कुलों के संस्कारों के साथ बढ़ते हैं, तो शायद वे अपने जीवन में अपने पारिवारिक सुख के साथ में अपने अंदर के आनंद की भी अनुभूति ले सकते हैं। इसलिए कैरियर बनाना और अपने जीवन का कैरियर बनाना, ये दोनों हमारे हाथ में है। मैंने दो चीजें कही हैं आपसे। कैरियर बनाना जिससे पैसा आएगा वह भिन्न विषय है। यदि बच्चे दूसरे कुलों के हैं, ना तो आप जैन मंदिर जा पाएंगे, ना जय जनेन सीख पाएंगे, ना अन्य स्थानों की चीजें सीख पाएंगे। कम से कम अपनी मर्यादाओं को हमें सुरक्षित रखना है। मैंने कहा वेशभूषा ऐसी हो जिससे लगे कि जैन साहब के घरों के आ रहे हैं, नहीं तो लगेगा किसी और साहब के घरों के तो नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज आज जो आपके साथ में प्रॉब्लम है डॉक्टर अक्षत, यदि कोई बगीचा उजड़ा हुआ हो तो सब अच्छा लगता है ना। कितने लोगों को उजड़ा हुआ बगीचा अच्छा लगता है? अरे कितना सुंदर होता है उजड़ा हुआ बगीचा। आज उजड़े हुए बगीचे के ही दिन आने वाले हैं। क्यों? जिस तरह की वेशभूषा आज साइंस ये कह रही है, जिस तरह की चुस्त दुरुस्त वेशभूषा आप पहनते हैं, वह आपको नपुंसक की ओर ले जा रही है। और आपके बगीचे अब फुलवारियों से सहित नहीं होंगे, फुलवारियों से रहित होंगे, वे सब आपके घरों में होने वाले हैं। इसलिए आपको ध्यान नहीं देना चाहिए माँ, बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि बच्चे किस तरह की वेशभूषा। और अब तो बहुत अच्छा समय आ गया है, 30 वर्ष तक अभी बच्चा छोटा है, अभी उसको जिम्मेदारी है निभाने का अभी अकल नहीं आई है। क्यों भारत सरकार ने शादी की उम्र को बहुत अच्छी तरीके से, जब वासनाएं नियत वासनाओं के लिए वह छोटा नहीं बचा है। और यदि कहे कि मुनि बन जा नमन से, तो कहते महाराज जी अभी तो वह छोटा है, कुछ समझता नहीं है। और जब किसी लड़की को लेके भागना हो नमन, तब छोटा नहीं होता, वासनाएं अंदर में। इसलिए जो उम्र कही गई है, यदि इसका भी ख्याल नहीं किया गया, हम 30 वर्ष तक नहीं कर रहे हैं, 30 वर्ष तक शादी नहीं करते हैं, कैरियर के कारण अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है। और बच्चे 35-40 वर्ष तक बच्चों की आबादी नहीं होती है, तब फुलवारी कभी, बगीचा कभी फुलवारी युक्त नहीं होता है, फिर उजड़ा चमन ही सबको देखने मिलेगा अपने घरों में। माँ आवश्यकता यह है, जो नियत काल है बेटा, खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो। और नियत काल पे जहाँ वासनाओं का समय आया, किसी दूसरे से वासनाएं पूर्ति करने जाओगे, इससे अच्छा है कि अगर शादी हो जाती है तो संयमित जीवन हो जाता है। जो 10 प्रकार का सील भ्रष्ट होता था, उससे पहले शादी अगर हो गई है तो सील की भ्रष्टपने से आप बच जाओगे। और वह बहुत दुख देता है जीव को, जब जीव सोचता तो यह, हम बड़े स्मार्ट हैं, इतनी जल्दी शादी। जितने लोगों के घर बिगड़ते हैं ना, ये लेट शादी से बिगड़ दें। क्यों बिगड़ दें आपको पता है? युवाओं अभी आप लोग जिम्मेदार नहीं हुए ना, अरे कम पैसे में यदि कोई जीवन साथी आया है तो वह कम पैसे में जीवन जीना चाहता है, जीवन जीना सीख जाता है। और जब बहुत अधिक समय निकल जाता है और लाखों लाखों ही देखे, और तुम्हारी नौकरी चली गई, अब जीवन भर तुम रोते ही मिलोगे। इसलिए अगर कम से उसने आपके साथ में निभाया है, कम सैलरी थी ना अंशुल, कम सैलरी थी और जीवन साथी आया, उसने देखा है कम में भी कैसे उठना होता है। और हम 30-35 वर्ष तक, जब तक कैरियर में लाखों का पैकेज ना हो जाए, तब तक शादी नहीं करा रहे। माँ इन बच्चों से पूछना, ये मना कर देती हैं बेटियाँ कि अभी शादी करने का दिन नहीं है, 30 साल 35 साल। माँ इनसे पूछना, शादी करने का दिन, वासनाओं का दिन जब से प्रारंभ हो जाता है,
तो क्या वासनाओं की पूर्ति शादी के बिना नहीं करने लग गए हो? बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए बेटा, लगता यह है हम बड़े स्मार्ट हैं, लेकिन अगर सोचा जाए तो हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा, यदि सुखी जीवन जीना है तो आपको जो माता पिता कहे अनुसार चल रहे हैं, एक भी माता पिता अपने बच्चों का बुरा भला नहीं चाह सकते, बुरा नहीं चाह सकते, तो भी हम माता पिता को तो छोड़ने तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपनी वासनाओं को छोड़ने तैयार नहीं होते हैं। संकुचित विचारधारा है ना, नैरो माइंडेड। जीवन में सबसे बड़ी विचारधारा यदि कहीं मिलेगी, उसका नाम जैन कुल है। इससे छोड़ के जाओगे तो हर जगह संकुचित विचारधारा में ही जीना पड़ेगा। जिस जगह पे यानी लोग तरस रहे हैं आने के लिए, आज बहुत बड़े बड़े चीजें चलती हैं जिसमें सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता है आपको फंसाने के लिए। मैंने कहा था गर्ल्स के लिए थोड़ा स्पेशल है आज, क्यों? आपको फंसाने के लिए सबसे ज्यादा पैसा आवंटित किया जाता है, लोगों को गाड़ी दी जा रही है, लोगों को जिम कराए जा रहे हैं, और पैसा दिया जा रहा है कि जैन कुल की बच्ची हमारे घर आनी चाहिए। ये आप समझ नहीं पा रहे हैं, और आपको लगता है बाहरी वेशभूषा, बेटा शरीर को सजाने से या शरीर पर आकर्षित होने से कुछ नहीं होता है। जब उन कुलों में जाते हो और उस कुल की परंपराओं से जब परिचित होते हो, तब याद आता है मैंने क्या किया, मात्र चित्र देखा था, उससे अपने चित्त को खराब किया और आज अपना पूरा चारित्र नष्ट कर बैठे। आज का थोड़ा सा जो आपको लग रहा था कि आज कुछ और विशेष मिलने वाला है, मुझे लगता है आज से विशेष इस जिन समाज के लिए कुछ नहीं हो सकता है। बच्चों, ऐसा नहीं लग रहा महाराज जी थोड़ी छोटी सोच वाले हैं? हाँ, लग सकता है। ऐसे ऐसे प्रवचन दे रहे हैं, कम से कम ये बताते कैरियर में कैसे पास होना है, कैरियर कैसे बढ़ाना है, कैरियर में हम कैसे लाखपति बनेंगे, इंटरव्यू कैसे अच्छा रहेगा, हम बाहर में अपनी लाइफ कैसे जिएंगे, इसके लिए आप आए हो सकते हो। लेकिन मैं अगर वही बताता तो मैं शायद बहुत छोटी सोच वाला हो जाता। मुझे दिखाई दे रहा है आपका सुख, मुझे दिखाई दे रहा है मेरी समाज, मुझे दिखाई दे रहा है आपके संस्कार, मुझे दिखाई दे रहा है आपके अंदर जो अभी तक नकारात्मकता और आपका भविष्य दिखाई दे रहा है। इसलिए आज मुझे ये सारे प्रश्नों को आपके सामने रखना पड़ा है।